तो जी आज हम लोग को जाना था श्रीनगर से सोनमर्ग। तो हम लोग सुबह जल्दी जल्दी 8 बजे तक निकल गए क्योंकि सोनमर्ग का डे ट्रिप था और शाम को फिर रिटर्न भी होना था श्रीनगर। हम लोग रुके ऑन द वे पर एक चाय ब्रेक के लिए और मस्त वहाँ के आसपास की खूबसूरती का लुफ्त उठाते हुए चाय को एंजॉय किए और फिर अपना जर्नी कंटिन्यू किया। और पूरा जर्नी इतना ज्यादा सीनिक था कि ये हम लोग का अभी तक का बेस्ट सीनिक ड्राइव लगा पूरे कश्मीर ट्रिप का। फिर कुछ दूर बाद जाकर आया एक जगह जिसका नाम था गगनगिर, जहाँ विंटर में ज्यादा स्नोफॉल होने के कारण यहाँ से स्नो चेन व्हीकल लेना पड़ता है और उसका कुछ 2.5 से 3 हजार चार्जेस होता है। फिर सोनमर्ग पहुंच के हम लोग लिए पहले तो बूट्स क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ था और फिर स्नो बैक में निकल पड़े थाजवास ग्लेशियर की ओर। यहाँ पर एक स्लेज वाले भैया ने हम लोग को बहुत रिक्वेस्ट किया उनके साथ थोड़ा घूमने का, बट हम लोग को बिल्कुल ही मन नहीं था क्योंकि इस गुलमर्ग में इतना ज्यादा स्लेज राइड किए कि बैक पेन हो रहा था। फिर भी बहुत रिक्वेस्ट किए तो संगू को थोड़ा स्लेज राइड करवा दिया थोड़ी जगह के लिए और भैया का बोनी भी करवा दिया सुबह सुबह। तो वहाँ पर खाने पीने का भी ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था तो हम लोग बस चाय मैगी खाकर बस थाजवास ग्लेशियर की खूबसूरती को आंखों में अच्छे से कैप्चर करके रिटर्न हो गए श्रीनगर के लिए।